काम कुछ भी हो, जो काम अपने आप करे जाएगा उसका तजुर्बा ही कुछ और होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका हमें पता रहेगा हमारे पशु ने कितना घास खाया, क्यों नहीं खा रहा, सारा पता रहेगा उसका। ठीक है ठीक है, मतलब नॉर्मल मीडियम सी भैंस होनी चाहिए है? हाँ, अगर ज्यादा 12 के 15 किलो के बीच, ज्यादा खर्चा नहीं करते पशु हो गए हैं। देखो हमें कुछ मिलेगा हम ये भी तो इन्हें रखेंगे, क्या फायदा, मतलब हम अपने घर की भी दे दो। सही कह रहा भाई। नमस्कार सभी भाइयों को, किसान एवं पशुपालन यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज आप सभी भाइयों को लेके आया हूं भाई एक डेयरी फार्म के अंदर, जो कि पिछले कई सालों से चला हुआ है और अच्छा रन कर रहा है। मतलब कि भाई अभी इससे सारी जानकारी भाई से ही लेंगे। भाई नमस्कार। नमस्कार। पूरे भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, एक अपना नाम बताओ, जगह का पता बताओ। मेरा नाम है अमित सिंह। अमित सिंह जी, ठीक है। और जगह है रुड़की उत्तराखंड। रुड़की उत्तराखंड जी। रहने वाले कहाँ के भाई? रुड़की गई? नहीं, टिकोला का लगा। पूरे भाई कब से डेयरी कर रहे हो? यार डेयरी 1989 से है। 1989 1989 जी, ठीक है। बुरे भाई जब तो पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद। मैं एक साल का था जब। जी एक साल के थे। हाँ जी, मेरे पिताजी ने करी थी डेयरी। आपके पिताजी ने करी थी, ठीक है। तो बुरे भाई देख, मैं देखने वाले भाई को एक बार बता दूं, भाई देख अभी बुरे भाई कितने पशु होंगे अपने पास? अभी हमारे पास 21 भैंस और 6 गाय है। 21 भैंस 6 गाय जी। तो जैसे गर्मी का मौसम है बुरे भाई, दूध कितना हो रहा होगा इतने पशुओं में? 2.5 क्विंटल करीब हो रहा है। 2.5 क्विंटल जी, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो दूध नहीं दे रहे होंगे? फिलहाल तो ऐसा कोई है नहीं, होता तो उसे निकाल देते हैं, महीने पे बांध देते हैं। अच्छा, बिना दूध वाला कोई पशु नहीं रखते, ठीक है। तो बुरे भाई जैसे देखने वाले भाइयों के लिए मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कोई भाई है नया, ठीक है, मतलब आप तो शुरू से देखते ही आ रहे कि भाई डेयरी किस तरीके से हो रही है, हमारे पिताजी का, आपका तो बचपन निकल गया, जवानी अब इसमें चल रही है। हम ये देखना, मैं तेरे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आज के टाइम में कोई भाई जैसे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, कोई डेयरी करना चाहे उसके लिए हाँ कहोगे पहले बात या ना कहोगे? हाँ कहेंगे, बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है, और बहुत से आदमी भाई इसकी बुराई करें, उनके यार नहीं, नहीं। बुरा है ये है, पैसे नहीं बचते, बहुत अच्छा काम। तो बुरा कब हो, बुरा ये काम कब बना है? ये बुरा कभी था ही नहीं, ये काम बुरा नहीं था कभी भाई, ये लोगों की सोच बन गई है। बुरे भाई एक बार बताओ, जैसे कोई डेयरी करे नहीं नहीं जी, तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? कोई भी डेयरी हो, कोई भी डेयरी करो, उसे कम से कम 5 डंगरों से शुरुआत करनी चाहिए। 5 डंगरों से जी शुरुआत, और 5 डंगरों में भी? 5 डंगरों में 2 गाय 3 भैंस। 2 गाय और 3 भैंस, हाँ। उससे, और दूध का रेट कम से कम भी क्या होना चाहिए? दूध का रेट कम से कम 100 रुपए किलो हो जब जाकर पड़ता था। बुरे भाई 100 रुपए किलो तो कोई भी नहीं देगा भाई, वह गाय इसीलिए बताई गई है, दो मैं उसका पड़ता वो सब ठीक कर देंगे। 2 गाय और 3 भैंस। बुरे भाई ने कहा है कि भैंस का दूध अलग और गाय का दूध अलग नहीं बेचना, दोनों मिला के बेचो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो दूध क्या रेट होना चाहिए फिर? वो दूध 80 रुपए किलो बिका। 80 रुपए। बुरे भाई अभी अपने क्षेत्र में उसका क्या रेट है? उसका रेट फिलहाल 1000 रुपए है। 1000 रुपए क्विंटल? हाँ जी, रबी सीजन गया ही है। सीजन गया, हाँ, ऑफ सीजन तक कहाँ तक चला जाएगा? 17-18 सौ तक जाएगा जी। 17-18 चलता है। 1 किलो दूध पे कितना खर्चा आ जाए? 1 किलो दूध पे करीब 28-30 रुपया खर्चा आ जाए। 28-30 रुपए किलो दाना है, क्या है मतलब? 28-30 रुपए का खर्चा 1 किलो दूध पर, दाना भी उसी में, दवा पानी सब उसी की। अब भाई देखने वाले भाई अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलो दूध पे, 1 किलो दूध और ये कह रहे हैं कि हम 80 रुपए लीटर बेच रहे, और 1 किलो दूध पे कम से कम 28-30 रुपए का खर्चा आ जा, जो कि मुझे लगता है आधा खर्चा भी हमने पशु पे नहीं करा। बिल्कुल। तो घाटा कहाँ हो इसमें वो बता बुरे भाई। भाई यही हाँ हो, अब कोई भैंस कामयाब नहीं हो रही, या तो उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, अच्छा, अगर नए दूध के लिए, या आप उसे रख रहे हो फिर उसमें घाटा होगा, उसे निकालने में फायदा है, एक नई भैंस लाओ, पुरानी भैंस ना रखो। हमें वैसे आपका ये 3 घंटे का सुबह का है, 3 का शाम का, बस इतने पशुओं में? हाँ जी। अभी आपने कितने पशु बताए थे अपने? 25-30? 21 भैंस बताई थी और 6 गाय। 6 गाय बताई थी भाई। 25-30 पशुओं में 6 घंटे का काम है, बस ये है बंद जाते हैं भाई, कहीं जा नहीं सकते हैं ना, ये वो कहीं जी। वो आदमी को खुद देखना पड़ेगा, किसी आदमी को रखे काम करने के लिए, खुद करे, पर आप ही करते हो गए, बाहर का तो आदमी को ही रख नहीं रखा होगा आपने। देखो नौकर करेगा तो अपना ही ना कर ला क्या वो? सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, वो अपना ही कर लेता। दूसरी बात भाई, काम कुछ भी हो, जो काम अपने आप करे जाएगा उसका तजुर्बा ही कुछ और होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका हमें पता रहेगा हमारे पशु ने कितना घास खाया, क्यों नहीं खा रहा, सारा पता रहेगा उसका। ठीक है ठीक है। अब बुरे भाई जैसे इतनी भैंस है आपके पास, 21 भैंस बताई जी, 20 भैंस में से
खल्ली कितनी निकलती होंगी? अभी तो चांस हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा किस कारण से नहीं हुआ? ऐसा इस कारण नहीं हुआ, जब हमारी भैंस नई दूध होती है तो हम पहली बार पहला डॉक्टर को दिखाते हैं कि हो रही कि नहीं हो रही, फिर हो रही तो कितने दिन हो रही, कितने दिन करवानी, कितने दिन होनी हुआ। ठीक है, तो डॉक्टर से यही कराते हो? हाँ, डॉक्टर से ये चेक कराते हैं, ये बताइए कितने दिन तक हो। नहीं, बीच डॉक्टर से रखवाते हो? अपना बोला तो पहले डॉक्टर से ये चेक कराते हो कि भाई वो कितनी हीट में है जी, कितने दिन वो हीट में रहेगी, कितने दिन हीट में रहेगी, या कितने टाइम उसे ए करानी चाहिए, ये डॉक्टर से पूछते हो, उसकी फीस अलग देते हो देते हो, जबकि आपने बुल भी जोटा भी अपने घर का ही रख रखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जोटे की ऊंचाई लंबाई तो बहुत है, कितने दांत है पहले बात ये बताओ? ये चार दांत है। चार दांत है, ये मुंह खोल के खुलवा देगा? खुलवाने का नहीं, देख लो भाई चार दांत, मुझे लगा छह हो गए दिक्कत। चार ही। ठीक है भाई, बुल की ऊंचाई लंबाई बहुत है। ठीक है बुरे भाई, आप क्या चीज देख के लाते हो डेयरी में जोटा? देखो अब बच्चे तो आप तो मतलब आगे ब्रीड तैयार करते हो नहीं करते? करते हैं। कटिया वटिया पाल लो? हाँ। जोटा हमने आपका देख लिया, तो क्या चीज देख के लाओ जोटे में? जोटे का टेस्टिकल देख के लाते हैं हम, जितना बड़ा हो चाप होगा उसका आगे, फिर जो उसके बच्चे होंगे जो उसकी कटिया होंगी उनका ऑर्डर उतना ही बड़ा होगा। तो कटिया वगैरह पाल लो तुम इनमें से? हाँ। सारी भैंस की थोड़ी पालते होंगे भाई? नहीं, सबकी पड़ती है जी। कहाँ जावे, यहाँ तो मुझे दिख नहीं रही। नहीं, कुछ भैंस इसमें ऐसी है जो मेरे घर की है। कुछ भैंस है जी, दिखाइए भाई। भाई डेयरी में वो जो भैंस इन्होंने खुद तैयार करी उन पे एक बार नजर मार लेते हैं। ये आपके घर की मतलब झोटा घर से ही ऐसे ही था डेयरी वाले? ये अपनी माँ पर बिल्कुल, तो ये कमी काहे पर रही जब या हमने दी महीने पर थी तो इसकी माँ इतनी केयर नहीं करी उन्होंने। अच्छा, पर दूध क्या 20-21 किलो की है, 15-16 किलो आराम से भैंस दूध दे जा। ब्याह की हो रही भाई? आठ ब्याह हो रही, मतलब आठ पर भी आ लिया भाई। देखो वैसे भैंस की उम्र भी मतलब काफी होगी जिस करके भैंस ने खोल वगैरह उतरवा लिया, पर आप ये फोसिंग देख सको, देखो छोटी रास की भैंस है। ठीक है नहीं बुरे भाई, इस भैंस ने मतलब नॉर्मल आपके यहाँ 15-16 किलो दूध दिया है। ठीक है, और कोई पशु जो बढ़िया हो आपकी नज़र में आपका डेयरी में? या भैंस भी घर की है? या भी घर ही की भैंस है, मतलब घर के ऐसे ही झोटा था वो डेयरी का मतलब का उसी का? ठीक है ठीक है ठीक। हम 5 साल झोटा रखा बस, एक झोटा 5 साल बस, फिर उसे बेच दो, बेच दूसरा लाओ जी, वो झोटा हो जा भारी ज्यादा, वजन ले जा बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, और बुरे भाई या मिनी भैंस? ठीक है ठीक है भाई, इतना पुराना काम हो गया तो मुझे लगा लगभग। और हिस्से पे कितने, हिस्से पे कितने पशु जा रहे होंगे बुरे भाई? अभी हिस्से पे 10 भैंस गई हुई है, 10 भैंस अभी गई हुई, 21 ये खड़ी जी। ठीक है, और बच्चे कहाँ तैयार करो? यहाँ तो मुझे क्योंकि दिख नहीं रहे, यहाँ तो भी यहाँ तो भी मुझे वही दिख रहे जो यहाँ मुझे लगे भैंस के नीचे चूंग रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, बच्चे कोई तैयार नहीं कर रहा, ना कोई रख रहा, किसी को कहो पालने वाले को भैंस रख लो भाई, आधा तेरा आधा हमारा, मने कर दे। अब कोई पालने को तैयार, पालने को कोई तैयार नहीं है, इसीलिए काम पीछे हटता जाए। क्योंकि उस जो नीचे तबके का आदमी ना, जो मजदूर आदमी था जिसे भैंस में हिस्से पे दे देते या बटाई पे देते हैं, उसे नहीं बच रहा कुछ। हाँ मतलब उसका खर्चा ज्यादा हो जा, उसकी लागत ज्यादा हो जा और उसे बचता कम है। बात नहीं है, बच भी जा। अब असल में जब तक फैक्ट्री चली है हर कोई फैक्ट्री में जाना पसंद करे, डंगर नहीं पालना, डंगर पालना कोई पसंद नहीं करता। ठीक, पशु को क्या खिलाओ? पशुओं को हम चने की चूरी, चोकर, 12 महीने जी, और चने की चूरी और चोकर, खल वगैरह कुछ नहीं? नहीं खल नहीं खिलाते। इस पे पशु दूध देते? हाँ, बहुत आदमी कहेंगे इसमें कमेंट करके ऐसा तो पशु दूध नहीं दे सकता। नहीं, चने की चूरी प्योर होनी चाहिए। कोई प्योर मिल से लेगा अपनी? हम तो घर पिसवाऊंगा इसे, चने लेकर जी, चने लेकर उसकी चूरी बनाओ फिर चोकर। बिल्कुल। अच्छा, ट्रोली वगैरह क्यों खड़ी कर रखी भाई? ये ट्रोली गोबर के लिए है, गोबर। ट्रैक्टर भी है अपना, ट्रैक्टर भी नया है, 265 महिंद्रा जी। ठीक है, लो भाई दूध के रेट देख लो, बुरे भाई बता रहे थे दूध के रेट क्या है अपने यहाँ, या आपके यहीं है रेट भाई बुरे या हर जगह है? हर जगह इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ फीड वगैरह रखी रहा पशु की है जी, दो खाट पड़ी और ये ट्रैक्टर है भाई यहाँ बुरे भाई का, 265 डी नया लिया होगा बुरे भाई, ये तो हाँ गोबर गिरने के लिए स्पेशल। हाँ जी, स्पेशल गोबर। हाँ तीसरे दिन जाता है 5 किलोमीटर दूर। ठीक है बुरे भाई, एक बार दिखाइए चने की चूरी वगैरह कहाँ है आपकी?
या घर से तैयार कराई है। ये देखिए, देख लो भाई चूरी, और चूरी के साथ चोकर और खंडा रखा है यहाँ इमरजेंसी के लिए है, तो मतलब जब खत्म हो जाए। हाँ। और फीड वगैरह भी डाल लो होगा, फीड गाय को घेर दो थोड़ा बहुत। अच्छा, तो गाय तो अच्छी गाय तो है नहीं, अच्छी चीज तो है नहीं, पर गायों के लिए थोड़ा बहुत डाल दो, थोड़ा बहुत डाल देते हैं। तो देख लो भाई, यहाँ पे खड़ वगैरह आपको कुछ नहीं मिलने की, जो भाई कह रहा था बिल्कुल सही बात है, मतलब खाने पे ज्यादा खर्चा नहीं करते पशुओं के। हैं देखो, हमें कुछ मिलेगा हम अभी तो इन्हें रखेंगे, क्या फायदा, मतलब हम अपने घर की भी दे दो। सही कह रहा भाई। आप कम से कम कितने दूध की भैंस रखते होंगे? भाई वैसे तो कहने को 20 किलो तक की दूध की भैंस हो डेयरी में हो, पर जब लाइन में बंध जावा वो 15 किलो ही देवा, कि लाइन में जो भैंस बंधेगी उसकी गोर अलग हो, जो अकेली भैंस हो उसकी अलग हो। वो तो आपने सही कह दी भाई, मतलब बुरे भाई का कहने का मतलब ये है, अगर इसमें यहाँ 20 लीटर की भैंस भी अगर बीच में कोई ला के बांध दे तो भाई वो दूध जो है 15-16 लीटर पे ही रह जाएगी। क्यों? इन सब के साथ उसकी इतनी गोर नहीं हो पाने की जितनी मेंटेनेंस उस भैंस को चाहिए। अब एक बात और बताओ रे भाई, अगर मान लो कि 20 किलो की भैंस आपके पास हो या आप रखो, तो उसकी अलग गोर नहीं कर सकते? नहीं, उसकी अलग गोर होने की नहीं। क्यों नहीं होने की? उसका क्या कारण है? देखने लो भाई को ये बात समझा। उसका कारण ये है कि इतना हम इन भैंसों पर टाइम लगाएंगे, इतना उसे अकेली पे लगेगा। अच्छा, फिर मतलब इसी में रह जाओगे आप? इसी में रह जाओ। फिर आपके 6 घंटे सुबह लगे करेंगे, 6 घंटे शाम। हाँ ठीक है भाई। तो डेयरी में मतलब नॉर्मल मीडियम सी भैंस होनी चाहिए है? हाँ। अगर ज्यादा 12 के 15 किलो के बीच उसमें औसत आ जा, उसमें औसत। बहुत से भाई क्या 15 से ऊपर की रखो और नू हो जाएगा, नू हो जाएगा। नहीं, 15 से ऊपर देने की नहीं डेयरी में, देवेगी तो उसकी गोर अलग से होगी। जो खारके में झोटी है ये, इसके बारे में बताओ भाई थोड़ी सी। खारके की है या अभी लाए हम? अभी लाए जी। ठीक है, क्या दांत हो गया? दो दांत झोटी भाई, मीडियम हाइट की है, डेयरी के मतलब की है। बुरे भाई कितना दूध दे रही है? 12 किलो दे। 12 किलो दूध भाई, यही झोटी अगर हरियाणा में होती कितने की लेगा? ईमानदारी की बात, गाँव में से ली है 75,000 की। 75,000 की यही भैंस अगर ठीक ठाक तेल ताल लगा के हरियाणा में खड़ी करके 1,00,000 रुपए की, 1,25 कम मिलने की, 1,25 से, और दूध 12 किलो दे रही थारे यहाँ। हाँ ठीक है। और भाई ये इसका बच्चा बन रहा, अब 12 किलो दूध इनका यहाँ दे रही डेयरी में, जिसे कह रहे हैं कि हमारे अगर 20 किलो वाली बांध दो वो 15-16 किलो दूध देगी, तो अगर या अकेली वाली के बांध दो किसी का तो दे सके 14-15 किलो दूध आराम से दे देगी। तो कहने का मतलब वही है भाई, डेयरी में देखो बहुत काम होता है, नी केयर हो जाती है इतनी पशुओं की, क्योंकि आदमी को अपनी भी सेहत का ध्यान रखना और पशु की भी सेहत का ध्यान रखना। अरे भाई आपने भैंस तो दिखा दी थी, गायें आपकी कितने कितने लीटर की हैं, कितनी कितनी बारी ब्याह ली है? गाय तीसरी बार ब्याह रही है। तीसरी बार ब्याह रही है, कितना? हाँ। दूध करे भाई है? इसके 24-25 लीटर दूध है अभी फिलहाल। हाँ जी ठीक है। और ये गाय पांचवी अभी है, पांचवी बार। हाँ ठीक है। 22 किलो इसके नीचे, 22 किलो या दूसरा ब्याह रही, दूसरा। हाँ अच्छा, 16-17 किलो इसके नीचे है, 16-17 किलो। अच्छा गर्मी ज्यादा, 20-22 के ऊपर दे दो। ठीक है। ये भी का तीसरी बार भी आ रही है अभी। अच्छा, 16 किलो दूध नीचे फिलहाल है, जब ताजी पिया 23 लीटर दूध था। कैसे? ठीक है। और एक ही आया, चार महीने क्या बने। अच्छा बुरे भाई एक बात और बताओ जी, जैसे भैंसों में फायदा है डेयरी में या गाय में? गाय का दूध बहुत कम बिका, कम बिका डिमांड कम है, मतलब डिमांड कम है, तो जैसे गाय के कस्टमर आपके कुछ कम होंगे, कम सारा नहीं जाता होगा, तो बाकी भैंस में मिलाते होंगे। हाँ हाँ ठीक है। भैंस का और गाय का मिक्स रखा है। हाँ जब हिसाब ठीक है, दूध प्योर बेचो? हाँ बिल्कुल प्योर। अच्छा चलो, गाय का तो मिल जाए, मतलब पानी नहीं घेरते? ना पानी एक बूंद नहीं घेरते। अच्छा जी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे भी आपके देखा हमने फीड मैनेजमेंट वाइड, अब जब पशुओं को घास डाल रहे थे, चारा डाल रहे थे, वो एक पुली जो उठा रखी थी आपने, भी लोग बाग देख रहे होंगे उसे, पल्ली। हाँ पल्ली, कितने पशुओं की थी वो? 4 की। और वो एक बाल्टी जो दाने की थी उसमें, वो भी 4 की थी, वो भी 4 की थी। 10 किलो राशन था वो, 10 किलो। हाँ, 4 पशुओं के लिए, 2.5 किलो। हाँ 2.5 किलो ठीक है। उसके अंदर मतलब वही चने की चूरी, आग खुद ही घर की पिसाई और चोकर सिरा, उनकी मात्रा आधी आधी होगी उसमें या कम ज्यादा? 50 किलो चोकर, 50 किलो चूरी, एक टाइम में खोलते हो आप? हाँ। ठीक है। और जैसे आपने पानी चला रखा था पहले खोर में, लोग
तो पहले पशु पानी पी लिया, मतलब पहले पानी पिलाया था कोरो वही। अच्छा, तो ये जैसे आपने पहले भी करा होगा या नहीं करा हो, देखा हो और की डेयरियों में जी कि लोग बाग पहले एक पशु को घास डालेंगे फिर दूसरे को डालेंगे, उसमें ज्यादा पशुओं में नहीं चलता या वो आप करते नहीं? वो चलता नहीं भाई, क्यों नहीं चलता भाई जी वो काम? अच्छा, एक भैंस का घास करेंगे तो सैटरडे नहीं सिवर आ जाएंगे फिर। हाँ जी मतलब जहाँ बड़े फार्म है कुछ जो ज्यादा पशु हो जाए जहाँ, तो हाँ थोड़ा सा स्पीड से और स्पीड। काम देख के। हाँ अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पशु ज्यादा खा ले कोई पशु कम खा ले, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं, तो अगली बार वो ज्यादा खा वो लेगा जिसकी तो। जितनी डाइट है वो उतना ही दफा होगी। अच्छा हाँ तो ठीक है भाई, आपने भाई का फार्म देख लिया, डाइट मतलब जितनी अच्छी तरीके से मेरे से हो पाया मैंने उतनी अच्छी तरीके से कवर करी। भाई ने बता दिया 26 पशु हैं, अभी एक बुल भी है वो भी आपने देख लिया। भूरे भाई जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत।